बिहार के दो दलों के आपसी टकराव में बिहार का विपक्ष गुमशुदा हो गया था और अब कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू की लड़ाई में एक बार फिर से कूद पड़ा है और ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो रहा है। खासा बिहार की राजनीति में ऐसी बातें बहुत बार देखने को नहीं मिलती है, जब आपसी दल यानी साथ में हैं, काम कर रहे हैं और आपस में टकराएं और फिर से साथ में रहें तो इसके पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजद ने इसके पीछे का कारण स्पष्ट कर दिया है और राजद ने इन तमाम बातों को लेकर अपना पत्ता खोला है। क्या कुछ राजद ने बातें की हैं, किस तरीके से उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन आपको पोस्ट पढ़कर हम बताते हैं। 16 साल तक अहंकारी सीएम नीतीश कुमार ने सुशासन की ढपली तो खूब बजाई, पर बिहार को एक भी सूचकांक में किसी भी अन्य बिना सुशासन वाले राज्यों की तुलना में एक भी पायदान ऊपर नहीं ले जा पाए। सबसे पहले जनता तो इनके रहते बिल्कुल असंभव ही है, यानी ऊपर जाना इनके रहते बिल्कुल असंभव है, पर हद तो यह है कि अपनी जिद शराबबंदी को पूरी तरह से फेल हो गए हैं और भला किसी काम के हैं नीतीश कुमार, पूछ रहे हैं राजद के लोग कि भला किस काम के हैं नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में इन्हें बीजेपी जदयू के अवसरवाद और सत्ता लोलुपता के कारण झेल रही है। यानी बिहार की जनता को वो बता रहे हैं कि सत्ता लोलुपता के कारण ये लोग झेल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राजद ने चुप्पी तोड़ी है और बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 16 सालों का कार्यकाल का है, जिसकी चर्चा हमेशा होती है। सुशासन 15 साल बेमिसाल सुशासन की सरकार, ये तमाम बातें होती हैं। लेकिन ऐसे में अब राजद ने जो अपना दावा किया है, राजद ने इस लड़ाई में कूद लगाई है, छलांग लगाई है और बता दिया है कि बिहार में ये दो दलों में कोई विपक्ष नहीं है, असली विपक्ष तो हम ही हैं। हालांकि बिहार में विपक्ष की भूमिका क्या है ये आज तक किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन फेसबुक पोस्ट के जरिए विपक्ष हमेशा अपने आप को दर्शाता है कि हम विपक्ष में हैं। और साथ ही साथ जब भाजपा और जदयू के बीच लड़ाई होती है, भाजपा और जदयू के बीच अंतर्द्वंद होता है, उसके बाद राजद अपने आप को स्थापित करती है कि बिहार में असली विपक्ष हम ही है। हालांकि इस पोस्ट के जरिए राजद ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 16 सालों का कार्यकाल सुशासन का कार्यकाल है। अब इस लड़ाई में जब राजद ने छलांग लगाई है, राजद ने दावा किया है, राजद ने चुप्पी तोड़ी है, तो इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा और खासकर भाजपा और जदयू के बीच जो माहौल बना है, उस माहौल में इस लड़ाई का, इस गठबंधन का अंत न हो जाए, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि गठबंधन का अंत होता है या इस लड़ाई का अंत होता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।